एरोरम थाना क्षेत्र में महज 2000 रुपए के लेन देन में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक और आरोपी दोनों दोस्त थे और हत्या से पहले दोनों ने साथ में शराब भी पी थी। घटना विद्या पैलेस कॉलोनी की है। यहां सावंत सोनी नाम के युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक सावंत मकान बनाने का काम करता है। उसे भैयू उर्फ देवेंद्र प्रजापत से 2000 रुपए लेने थे, जिसके चलते दोनों मिले तो पहले दोनों से साथ में शराब पी, तभी दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी भैयू उर्फ देवेंद्र ने सावंत पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी भैयू को हिरासत में ले लिया है। क्योंकि हत्या विवाद हो गया था। काय का? मैं तो गाड़ी उत्तर कर रहा था, उसने तो कोई बताया था पैसे का लेन देन है का? कोई लेन देन नहीं पैसे का, तो विवाद में इतना बड़ा हाथ हल्की से लग गया। दारू वारू भी पिलाई? उनने भी पी रखी थी, मैंने भी पी रखी थी। कमरे में तो बाटलें मिली है। हाँ तो उनके, मैं तो बाहर दूर था, वो तो खुद पी रहा था, मैं बैठ नहीं पीते। वो तो तुमको बुलाया था कि तुमने उनको बुलाया था? नहीं, मैं तो मिलते जुलते ना घर था उनका, मिलते जुलते थे वहाँ पर। काय से मारा? वो चाकू लगा उल्टी से। कहाँ से लेके आए थे चाकू? कहाँ से लेके आए थे? वो वहाँ से लाए थे, अजमेर से, पुष्कर जी से। लॉकडाउन में दारू की व्यवस्था कहाँ से कर ली? लॉकडाउन में दारू की व्यवस्था कहाँ से कर ली? मैं तो पीतमपुर से पी के आया था। कल रात में करीबन 10:30 बजे का थाना एडो में सूचना मिलती कि कोई एक चाकूबाजी की घटना हो गई। तो मौके पर जाकर पता चला कि एक जगह घटना हो गई। इसमें यह नहीं पता चला था कि उसको हॉस्पिटल कहाँ पे ले गए। इसका घटना का क्रम यह है कि मृतक सावन सोनी और आरोपी देवेंद्र प्रजापत, ये दोनों आपस में दोस्त हैं और पिछले 15 वर्षों से ये साथ में ही रहते हैं और साथ में ही काम करते हैं, साथ में ही खाना पीना इनका होता था। दोनों एक ही व्यवसाय प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे। कल दिनांक को भी ये साथ में इकट्ठे हुए थे, किसी बात को लेकर इनमें आपस में विवाद हुआ। तो मृतक के आरोपी से 3000 रुपये लेने शेष था, जो 1500 रुपये प्रार्थी को आरोपी दे रहा था, लेकिन किसी बात से प्रार्थी ने उसको कुछ बोल दिया। उसी बात को लेकर आरोपी द्वारा जान से मारने की नीयत से उसको चाकू मारा, जो चाकू उसको जान में लगा और उसकी डेथ हो गई। सर, मात्र 1500 रुपये के लिए किस तरह से इनकी बातचीत हुई, क्या विवाद हो गया? मतलब इसमें प्रथम दृष्टि ये समझ में आया था कि ये कल दिनांक को आरोपी देवेंद्र प्रजापत पीथमपुर गए थे, जहाँ पे इसने शराब पी थी और उसी शराब का नशा था। उसी शराब के नशे में मृतक सोनी को इसने चाकू मारा है। उसी बात को 1500 के गुस्से में ही उस दारू पी हुई थी और गुस्सा था, उसी बात को उसको लेकर चाकू मारा।